ये कहना है कि अध्यक्ष जी को उत्तराखंड के लोगों पर भरोसा नहीं है, तो क्या आपकी सभी को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है किसी स्तर पर, जो आपने विधानसभा में कड़ा फैसला था उसके बाद? देखिए, ऐसा है कि वो उनकी सोच हो सकती है। आप लोग सब जानते हैं कि ये जो मेरे साथ स्टाफ है वो मेरा पर्सनल स्टाफ है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री हों और केंद्र के मंत्री हों, सबको अधिकार होता है कि वो पर्सनल स्टाफ रखें। पर्सनल स्टाफ ऐसा होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो और थोड़ी मेरी उनसे कंफर्ट लेवल हो, क्योंकि जिस तरह का निर्णय हमने इस समय विधानसभा में लिया है, उस निर्णय को लेने के लिए मुझे अपने साथ ऐसे लोग चाहिए थे जिनको एक्सपीरियंस था। जो मेरे ओएसडी साहब हैं, उन्हें वैसे देखिए ये सब चीज़ें मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, एक्सप्लेनेशन देना भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं, 45 साल से ऊपर वो सरकारी दफ्तरों में काम कर चुके हैं, विजिलेंस में काम कर चुके हैं, तो इस तरह से जो चीज़ें स्मूथली मैं कर पाई, ये एक कारण था। को टर्मिनस हैं, अगर मैं चाहूँ वो कल जा सकते हैं और मैं अगर कल गई तो मेरे साथ वो भी जाएंगे। कोई बैक डोर एंट्री नहीं है, कोई परमानेंसी नहीं है, कोई एडहॉक नहीं है, वो केवल और केवल गो टर्मिनस स्टाफ है। उत्तराखंड के बहुत से लोग बहुत जगह कार्यरत हैं, तो ये कहना कि कोई बाहर का अगर व्यक्ति यहाँ कार्यरत है तो मैंने किसी तरह से अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसके लिए मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मेरी राजनीति ही वो नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से राजनीति कर रही हूँ और मैं कभी सपने में भी बिना तो मेरे परिवार के वैसे संस्कार और कभी सपने में भी ये बात नहीं सोच सकती हूँ कि मैं भविष्य में अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करूंगी। जीवन में राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन इस तरह का कार्य मैं कभी नहीं करूंगी, ये मेरे संस्कार नहीं।